हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देश और दुनिया खतरनाक जानलेवा वायरस कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है। संक्रमण से बचने के लिए कई देशों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस द्वारा बीमारी को रोका गया है, जिसको देखते हुए भारत में भी 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया। हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे के लिए जाना जाता है। देश पर जब भी कोई परेशानी आई तो सबने एकजुट होकर मुकाबला किया है। इसी तरह जब आज देश कोरोना वायरस की महामारी के संकट से गुजर रहा है तो इसी मदद का जज्बा लिए हमारे पत्रकार साथी अबरार पठान, अकील खान, जाहिद अजमेरी और अन्य साथी खेतों में सब्जियां तोड़कर गरीब बस्तियों में बांट रहे हैं। वहीं उन किसानों की भी सराहना की जाना चाहिए जैसे ओम कुशवाहा, पंचानन कुशवाहा, मलखान खान, उन्होंने अपने खेतों से मुफ्त सब्जियां देकर इस पुनीत कार्य में सहयोग दिया है। हम सब मिलकर निश्चित ही बीमारी से मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी। कसरावास से अकील खान की रिपोर्ट। देश नहीं दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी से गुजर रही है और कई बड़े बड़े देशों में लॉकडाउन हुआ और आज हिंदुस्तान भी इसी से गुजर रहा है। हम लगभग 6 से 7 दिन से लॉकडाउन में हैं और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इसलिए लॉकडाउन से जो गरीब बस्तियाँ हैं उनको बड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन हमारी हिंदुस्तान की एक तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, जिसके द्वारा जिसमें हम जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, हम उसका सब मिल करके सामना करते हैं, उस सारी परेशानी का मिल के सामना करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे पत्रकार साथी कसरावत के जो अबरार खान और उनके बहुत सारे साथी हैं जिनसे भी हम बात करेंगे, वो लोग भी लोगों की परेशानियों को देखते हुए आगे आए हैं और अपनी मेहनत से उन्होंने कुछ किसानों को अपने बातों से ये मनवाया कि और कुछ लोगों को खेती में क्या सामान उनके लिए खोल दिया जाए ताकि हम उनको सामान बांट सकें, और वो लगे हैं इस काम में। हम देख रहे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से 2 से 3 दिनों से लगातार वो लोगों में सब्जियां बांटने के लिए लगे हैं, घर घर जा कर के, गरीब बस्तियों में जा कर के वो सब्जियां बांट रहे हैं। डब्ल्यू चैनल की ओर से मेरी भी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, शासन के नियम, शासन द्वारा जो लॉकडाउन किया उसके नियमों का पालन करें। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं आपके लिए लगी है, हम आपके लिए फिक्रमंद हैं। बहुत अभी आपने देखा जिस तरीके से सामाजिक संस्थाएं लगी है, वो आपके घर घर ला करके आपकी आवश्यकता की चीज़ें आप तक पहुँचा देगी। आप लोगों से निवेदन है कि आप घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें और इस खतरनाक बीमारी से लड़ने में देश का सहयोग करें। धन्यवाद भाई लोग। आप कब से इस काम में लगे हैं और कितने लोगों को अभी तक सब्जी बांटी? करीब हम 2-4 दिन से लगे हुए हैं और कम से कम हज़ारों लोगों में हमने बांट दी है सब्जी। और हम सुबह से शाम तक यही काम करते हैं, गरीब बस्तियाँ जहाँ हैं वहाँ पर जाके सब्जियाँ बांटना है, उनको सावधान भी करना है इस बीमारी से और सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। हमारे साथी जितने लगे हैं, अनिस भाई हैं, लतीफ़ भाई हैं, जाबिर हैं, ये सभी लगे हुए हैं हमारे साथ में और दिन रात ही मेहनत कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। खेतों से जो सामान लेके आ रहे हैं तो किसान लोग आपकी बातों से मानते हैं, उनको आपको सब्जी दे रहे हैं क्या? किसानों ने हमारे को कह दिया है कि जो हमारी सब्जियां हैं ये सब्जियां आप ले जाइए और गरीब बस्तियों में बांटिए। उन्होंने भी हमको सहयोग किया है किसानों ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।